जामपुर गांव के जंगल में पीलू और सुंदरी दो पड़ोसन रहती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। पीलू एक सीधी साधी साफ मन की गरीब चिड़िया थी तो सुंदरी एक चालाक और लालची कव्वी थी। दोनों के खेत बगल बगल में थे। एक दिन पीलू का पति बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पांव टूट गए। पीलू पर घर संभलने का बोझ आ गया था। पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं अपने खेत में और ज्यादा मेहनत करूंगी और जो भी कमाई होगी उसे मैं आपका इलाज कराऊंगी। तो बंटी कहता है, पीलू मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, भगवान करे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। एक बार दोनों सहेलियों ने मक्के की खेती की। पीलू को सुंदरी से ज्यादा फसल आई। सुंदरी इस बात से मन ही मन जलने लगी। पीलू को मक्के की बहुत अच्छी फसल हुई है, मुझे इसकी फसल को नष्ट करने का कोई रास्ता निकालना होगा, ऐसे सुंदरी सोचती है। फिर एक दिन सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे कहती है, पीलू मैं तेरे लिए ये साधु महात्मा से वरदान में बीज लेके आई हूँ, ये बीज अगर तू अपने खेत में बो देगी तो तुझे 10 गुना ज्यादा फायदे वाली फसल होगी। पीलू कहती है, अरे वाह सुंदरी बहन, तुम कितने साफ दिल की हो, तुम्हें जो साधु महात्मा से जादुई बीज मिले थे वो तुम मुझे दे रही हो। तो सुंदरी बोलती है, हाँ बहन, क्या है ना, तुम बहुत ईमानदारी से अपने खेत का ख्याल रखती हो और तुम्हें भाई साहब की सेहत का ख्याल भी रखना है, तो इसलिए ये बीज मैं तुम्हें दे रही हूँ। कुछ दिनों बाद पीलू अपने खेत में सुंदरी के दिए हुए बीज बोने लगती है और सुंदरी ये देख के बहुत खुश होती है। पीलू रोज अपने खेत में पानी देती है, लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी उसके खेत में फसल नहीं उगती। पीलू सुंदरी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, तुमने जो साधु महात्मा के बीज मुझे दिए थे उसमें से तो फसल उग ही नहीं रही है, लेकिन तुम्हारी खेत की फसल तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सुंदरी कहती है, तुम फिक्र मत करो पीलू, ये बीज बेकार नहीं जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन पीलू के खेत में कोई फसल नहीं आती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझ गरीब के खेत में इस बार कोई फसल नहीं होगी, अब मैं इनका इलाज कैसे करवाऊंगी, घर का खर्च कैसे चलाऊंगी, लगता है ये खेत अब बेचना पड़ेगा। तो बंटी कहता है, पीलू इतनी दुखी मत हो, हम अपना खेत नहीं बेचेंगे, चाहे जो हो जाए तुम मुझे वो बीज दिखाओ, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। पीलू बीज दिखाती है, ये देखिए जी, ये है वो बीज। तो बंटी बोलता है, अरे ये बीज नहीं है पीलू, ये मछली के अंडे हैं। सुंदरी ने हमारे साथ चालाकी की है, अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। बंटी पीलू के कान में कुछ कहता है और फिर पीलू मछली की दुकान में जाकर बहुत सारी मछलियाँ ले आती है। पीलू उन मछलियों को अपने खेत में लगा देती है और पीलू सुंदरी को बुलाती है, सुंदरी बहन, ओ सुंदरी बहन, जरा घर से बाहर तो आओ। सुंदरी आती है, क्या हुआ पीलू, क्यों आवाज लगा रही हो? अरे जरा मेरे साथ मेरे खेत में चलो, चल कर तो देखो। दोनों खेत में जाती है। सुंदरी आश्चर्य से बोलती है, अरे ये क्या पीलू, ये मछलियाँ कहाँ से उगी है, ये मछलियाँ कहाँ से आई तुम्हारी खेत में? तो पीलू कहती है, ये तो तुम्हारे दिए हुए साधु महात्मा का बीज का कमाल है। ये सुनकर सुंदरी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने खेत की फसल को उखाड़ने लगती है और उसे पीलू के खेत की तरफ फेंकने लगती है। तो पीलू कहती है, अरे सुंदरी बहन, ये क्या कर रही हो, अपनी खेत को क्यों बर्बाद कर रही हो? तो सुंदरी कहती है, पीलू मैं भी मछलियों की खेती करूंगी, तुम इस मक्के की फसल को भी अपने खेत की बची हुई जगह में लगा लो। सुंदरी के मछलियों के बीज को बोने के बाद भी उसके खेत में मछलियों की फसल नहीं उगती है। दूसरी तरफ पीलू की खेत में मक्के की फसल लहलहाने लगती है। पीलू बहुत खुश होती है। सुंदरी पीलू से कहती है, पीलू तुम्हारी बीज कैसे मछलियों की फसल उगा दिया, जबकि मेरे बीज से तो मछलियाँ उग ही नहीं रहे हैं। तो पीलू कहती है, अरे बहन, तुम साधु महात्मा का आशीर्वाद लेना भूल गई, इसलिए तुम्हारी फसल नहीं आई,
तुम उसी साधु महात्मा से आशीर्वाद ले आओ। तो सुंदरी कहती है, पीलू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा देकर मछलियों के अंडे दिए। मैं तुम्हारी मेहनत से जलती थी, मेरे पास किसी साधु महात्मा के बीज नहीं थे। तो पीलू कहती है, सुंदरी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पति की जान खतरे में है। तो सुंदरी कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पीलू बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम सही समय पर सुधर गई। इसके बाद से सुंदरी पीलू के साथ मिलजुल कर रहने लगी और पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगी। इस तरह से पीलू भी अपने पति का अच्छे से इलाज कराकर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो, अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊं। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देख कर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है, अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया। तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू तो कॉलेज क्या थर्ड ग्रेड से पास होने के लिए गई थी, इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपने भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है, अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है, वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम। तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली, हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है, मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी, और हरिया अंकल मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ, और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है, अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली, मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई।
बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है, हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो? तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी, हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता, इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है, मुझे आपके काम आने के खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है, ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।